आपको बताता हूं मैं आपको बताता हूं जनरली क्या करते हैं स्टूडेंट्स जनरली वट दे गो ब्लाइंडली दे गो ब्लाइंडली प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है स्टार्ट कर दिया कोई सिलेबस नहीं देखा दे विल नॉट सी सिलेबस माई फ्रेंड्स आई एम टेलिंग यू द मूवमेंट यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन

देखो अल्टीमेटली यू हैव टू क्रैक द कॉम्पिटिशन आपका एम क्या है यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर विद योर एम आपका एम रिसर्च करना है योर एम इज टू डू द रिसर्च और टू क्रैक द कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपका एम क्या है इफ योर एम इज टू क्रैक द एग्जाम यू हैव टू स्टिक टू द सिलेबस रिलीजियसली आपको केवल वही टॉपिक्स फॉलो करने हैं जो सिलेबस में लिखा है आपको वही चैप्टर फॉलो करने हैं जो सिलेबस में लिखा है आपको वही सब्जेक्ट फॉलो करने हैं जो सिलेबस में लिखा है रिसर्च करने के लिए लाइफ में बहुत टाइम है बेटा यू आर हैविंग मैं ये नहीं बोल रहा कि जो टॉपिक सिलेबस में उसको आप ऊपर ऊपर से पढ़ोगे नहीं जो टॉपिक सिलेबस में उसमें पूरा रिसर्च करेंगे बट द टॉपिक्स विच आर नॉट इन सिलेबस वी आर गोइंग टू लीव एज इट इज वी आर नॉट गोइंग टू इवन टच यहां तक क्लियर है नमस्ते 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 होपई एंड एवरी वन इज क्लियर बेटा सेकेंड ईयर के लिए बताने वाला हूं थर्ड ईयर के लिए बताने वाला हूं आपको चिंता करनी नहीं आई होप एवरी वन इज क्लियर टिल यहां तक बता दो फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग बोलेंगे सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा इफ यू सी इन योर बी टेक करिकुलम इन योर बी टेक करिकुलम यू वि हैविंग नंबर ऑफ सब्जेक्ट उसमें से कुछ सब्जेक्ट हो सकता है पावर प्लांट भी हो आईसी इंजन भी हो र एंड ए सी भी हो, हो सकता है रेफर एंड आर एंड ए सी रेफर भी हो, हो सकता है टर्बो मशीनरी भी हो ना इफ यू सी दिलेबस ऑफ गेट गेट के सिलेबस में एज फार एज दीज फोर सब्जेक्ट आर कंसर्न ओनली दीज टॉपिक्स आर इन सिलेबस फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो फॉर द आईसी इंजन ओनली द एयर स्टैंडर्ड ऑटोसाइकिल डीजल साइकिल एंड ड्वेल साइकिल इज इन सिलेबस अगर आप रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की बात करेंगे वेफर एंड गैस रेफ्रिजर एंड हीट पंप साइकिल्स प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्टियर साइक्रोमेटिक चार्ट बेसिक साइक्रोमेटिक प्रोसेसिस ओनली दिस इज इन दिलेबस बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं आपको टॉपिक टू टॉपिक पढ़ना है आइस इंजन में 50 चीजें और हैं देर आर सो मेनी एक्स्ट्रा थिंग्स इन आइस इंजन देर आर सो मेनी एक्स्ट्रा थिंग्स इन आर एंड एसी देर आर सो मेनी एक्स्ट्रा थिंग्स इन टर्मो मशीनरी देर आर सो मनी एक्स्ट्रा थिंग्स इन पावर प्लांट बट इफ यू आर प्रीपेरिंग फॉर गेट एग्जाम अगर आप गेट के लिए स्पेसिफिकली प्रिपेयर कर रहे हैं टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री के लिए मेरा फर्स्ट एडवाइस आपको होगा मेक्स योर वट एवर इज इन सिलेबस यू आर रीडिंग दम ओनली यहां तक क्लियर है यहां बट आपके सारे क्वेश्चन लेने वाला हूं आई विल बी टेकिंग ऑल योर क्वेश्चन यू नीड नॉट टू वरी आई विल बी टेकिंग ऑल यूर क्वेश्चन यू नीड नॉट टू वरी पहले आप सुन लो क्या मैं बोल रहा हूं अगर आपका एम है 2022-23 गेट एग्जाम में अंडर 100 रैंक लाना टू डिजिट रैंक लाना जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो ना ना वंस यू हैव सीन द सिलेबस एटलीस्ट एनालाइज लास्ट फाइव ईयर पेपर्स द मूवमेंट यू आर एनालाइजिंग लास्ट फाइव ईयर पेपर्स यू विल कम टू नो वट आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कितना डिफिकल्टी लेवल होता है रिमेंबर ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी के साथ पता होनी चाहिए यू शुड नो प्रॉपर क्लैरिटी आपको ये चीजें दिमाग में होनी चाहिए दिस शुड बी द लेवल कितना कैलकुलेशन हो सकता है मैंने देखा है कई बार होता है आपको पता होना चाहिए देखो बेटा मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि लेंदी क्वेश्चन नहीं आते लेंदी क्वेश्चन कैन कम बट कितने लेंदी उस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं getting यू आर what kind of questions can come in बी गेटिंग आपको आइडिया वट काइंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं next थिंग बट देखो ये बहुत ही दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रीड स्टैंडर्ड बुक्स मैं बात कर रहा हूं गेट के एग्जाम की आई एम टॉकिंग अबाउट गेट एग्जाम बेटा गेट एग्जाम इज वेरी 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 ये इस साल प्रूव हो गया बेटा इस साल प्रूव हो गया द गेट एग्जाम इज वेरी बेसिक एग्जाम कॉन्सेप्चुअल एग्जाम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछने वाले एंड आई एम आर लुकिंग इफ यू आर लुकिंग फॉर वेरी गुड कॉन्सेप्ट देन यू शुड गो फॉर द स्टैंडर्ड बुक्स आपको स्टैंडर्ड बुक्स ही रेफर करनी है उसके लिए मैं एक अलग सेशन लेकर आपको बता दूंगा क्या क्या स्टैंडर्ड बुक्स हो सकती हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए आपको उसकी चिंता नहीं करनी बट रिमेंबर यू शुड फॉलो द स्टैंडर्ड 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 बुक्स Now, बुक्स नाउ में कौन सी बुक फॉलो करनी है इट डिपेंड्स ऑन यू किसकी लैंग्वेज आपको समझ में आती है कितनी इंग्लिश आपको समझ में आती है जो बुक में लिखा है वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है बट माय पर्सनल सजेशन इज यू शुड फॉलो द स्टैंडर्ड बुक्स लेकिन इफ यू आर प्रिपेयरिंग विद मान लो कोई प्लस पर है स्टैंडर्ड the बुक्स और याद रखना पूरी स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़नी है ओनली द टॉपिक विच आर इन सिलेबस उतना ही आपको करना है आर यू गेटिंग मैडम सिंह आर यू गेटिंग मैं जितना सिलेबस में है केवल उतना ही आपको पढ़ना है आर यू क्लियर टिल स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते रह जाओगे अगर स्टार्ट किया एंड तक पहुंचते पहुंचते पांच साल का प्रोजेक्ट हो जाएगा बेटा वो नहीं करना है बी वेरी स्पेसिफिक बी वेरी स्पेसिफिक जो भी सिलेबस में है केवल वही टॉपिक्स पढ़ना है एंड ऑफकोर्स द मूवमेंट यू आर अंडर माई गार्डन है सफिशियंट आइडिया कहां से पढ़ना है कितना पढ़ना है आर यू गेटिंग ओके दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिपेयर शॉर्ट नोट बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं देखो मैं एक और चीज बता रहा हूं बेटा दोज हु आर गोइंग टू राइट देयर फाइनल अटेम्प्ट इन गेट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू जिनके पास केवल एक साल है यहां से दोज हु आर हैविंग ओनली वन ईयर आई विल बी एडवाइजिंग दम अगर मान लो नोट्स बनाने का टाइम नहीं है इफ यू आर टेकिंग सम ऑनलाइन एनी वेयर एंड यू आर नॉट हैविंग टाइम यू आर वर्किंग समवेयर और कुछ और रेस्ट्रिक्शन है यू आर नॉट हैविंग सफिशेंट टाइम देन यू कैन स्किप द नोट्स यू कैन मेक द रनिंग नोट आप रनिंग नोट बना सकते हैं पेयर नोट बनाने की जरूरत नहीं है बट यू हैव टू मेक श्योर यू आर हैविंग द शॉर्ट नोट इनफैक्ट अगर टाइम बहुत कम है यू कैन टेक द पीडीएफ यू कैन प्रिंट इट बट शॉर्ट नोट अपनी लैंग्वेज में बनाना बहुत जरूरी है बिकॉज अल्टीमेटली इन गेट एग्जाम गेट इज ए न्यूमेरिकल ओरिएंटेड पेपर टे oriented, oriented तो जहां पर सारी इंपॉर्टेंट चीजें हूं एटलीस्ट उतना तो आपको करना है तो डोन्ट स्किप दिस शॉर्ट नोट और एक और तरीका हो सकता है देर कैन बी वन मोर मेथड वेयर यू कैन हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन योर मेन नोट बट कुछ ऐसा करना कि एग्जाम में जब जाओ तो उससे पहले जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप उसको सेग्रीगेट कर पाओ उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर पाओ चाहे वो आप अपने एग्जिस्टिंग नोट में अंडरलाइन करके करो चाहे आप सेपरेटली शॉर्ट नोट बनाकर करो बिकॉज आई आई एम टेलिंग यू हैव सीन गेट 2021 का बच्चों ने एग्जाम लिखा है मैंने ऑनलाइन भी पढ़ाया था ऑफलाइन भी पढ़ाया था वट है फीडबैक आई एम गेटिंग फ्रॉम द स्टूडेंट्स गुड स्टूडेंट दे आर सेइंग सर रिवीजन ही नहीं कर पाए दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू राइट फ्रॉम द डे वन इसीलिए मैं आपको पहले दिन से बोल बोल रहा हूं शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए क्या होगा शॉर्ट नोट्स में आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं उन सबको लिखना है वहां पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ठीक है हेलो बेटा आर यू गेटिंग आर यू क्लियर टिल हिस्स बात समझ में आ रहा है शॉर्ट नोट्स में क्या क्या रखना है आपको इन शॉर्ट नोट्स यू शुड हैव द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इंपॉर्टेंट डायग्राम इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज इंपॉर्टेंट कंक्लूजन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ठीक है नेक्स्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप गेट जैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जहां पर मोस्टली न्यूमेरिकल्स आते हैं इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जाम लाइक गेट तब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता very, very, very है दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट यू कैन नॉट स्किप दिस आपके कॉन्सेप्ट आते हैं दुनिया के बट इफ यू आर नॉट डूइंग द प्रैक्टिस मैं बोल रहा हूं एग्जाम में क्वेश्चन हिलेगा नहीं एग्जाम में क्वेश्चन हिलेगा नहीं यू कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चन इन एग्जाम रिमेंबर माई फ्रेंड्स प्रैक्टिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट और याद रखना अगर आप किसी स्टैंडर्ड बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं या कहीं और से प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन क्वेश्चन फर्स्ट जो भी होते हैं आप उनको पहले सॉल्व करेंगे बिकॉज क्वेश्चन में अगर आपने कहीं पर गलती करी तो आपको पता चलेगा कि मैंने यहां गलती करी है देन ओनली बी गोइंग टू अनसॉल्व क्वेश्चन बिकॉज अनसॉल्व क्वेश्चन में मैंने देखा लोग स्टार्टिंग से अनसॉल्व क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं और बीच में कहीं फंसते हैं फिर उसमें चार दिन लगाते हैं यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट ंग टू डू डैट यू आर नॉट गोइंग टू डू डेट सबसे पहले सोल्व क्वेश्चन करो और मैं बोल रहा हूं इफ यू आर एबल टू डू द सोल्व क्वेश्चन प्रॉपरली थॉरली अगर आपने कर लिए अनसोल्व अगर कुछ कम भी लगाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यू आर ऑन द राइट ट्रैक यहां तक क्लियर है बेटा मैं आपके सारे डाउट लेने वाले मैं आपके सारे डाउट लेने वाला हूं टेंशन ना लो ठीक है यहां तक क्लियर है बेटा टाइप करते जाएंगे छाटबॉक् आपके जो भी डाउट डोन्ट वरी आई विल कीप ऑल डाउट एट द एंड प्रैक्टिस स्टैंडर्ड बुक से अगर हो सके तो करो बिकॉज इट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस की स्टैंडर्ड बुक से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली उठा लिए जाते हैं गेट एग्जाम में तो अगर आपके पास स्टैंडर्ड बुक है पीडीएफ है तो भी चलेगा प्रिंट करवा लो प्रिंट नहीं करवा सकते हो तो मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेकर कैसे भी करके वहां से सॉल्व कर सकते हो ओके नेक्स्ट दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ योर प्रिपरेशन रिवीजन बेटा रिविजन रिविजन करना बहुत जरूरी है अब आप रिवाइज कैसे करोगे आप रिवाइज करोगे लिख लिख कर लिख लिख कर आप रिवाइज करोगे आई हैव सीन देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो ऐसे देख देखकर रिवाइज करते हैं और बाद में उनको फॉर्मूला याद ही नहीं रहता है यू विल कीप ऑन राइटिंग यू की यू विल कीप ऑन राइटिंग फॉर एग्जाम्पल मैंने पहला चैप्टर उठाया फ्लूइड एंड इट्स प्रॉपर्टीज फ्लूइड मैकेनिक्स का

यहां तक क्लियर है है ना यहां तक आप लोग क्लियर हैं आर यू गेटिंग वट एम सिंह फार्मूलाज का रिविजन करना कॉन्सेप्ट का रिविजन करना आपके शॉर्ट नोट के थ्रू होगा नाउ लिसन केयरफुली केयरफुलिस इज वन मोर थिंग विच पीपल डोंट अंडरस्टैंड रिविजन ऑफ क्वेश्चन इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट रिविजन ऑफ प्रॉब्लम्स इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स का रिविजन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा आपको कितने भी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करोगे लिसन अस सपोज यू आर सॉल्विंग सोल्विंग प्रॉब्लम लेट अस सपोज यू आर सॉल्विंग टेन प्रॉब्लम्स। आउट ऑफ टेन पॉसिबल। फाइव प्रॉब्लम्स आर वेरी इजी यू डोंट नीड एनी एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर दैट हो गया फार्मूला बेस्ड था डेफिनेशन था ये था वो था हो गया

प्रैक्टिस जब भी आप स्टार्ट करते हो फर्स्ट यू शुड सॉल्व द प्रीवियस एक बार आपने द स्टैंडर्ड बुक्स करने हैं इट इज फाउंडेशन एक बार आपने पीवाईक्यूज कर लिए तब आप स्टैंडर्ड बुक्स में जाओ और अगर आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है या कुछ और मटेरियल आपके पास है तो आप वहां से कर सकते हैं पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद बट नो वन इज going to go to the practice questions without solving PYQs. PYQs तो must है बेटा. PYQs तो करना ही है. है ना? ठीक है? यहाँ तक clear हैं?